Hello students, in the last video we have completed continuous time convolution. Okay, now till now we have studied discrete time convolution and continuous time convolution. Now in this video we will study classification of LTI system. Jaise ki hum logon ne study kiya tha classification of system, similarly we will study classification of LTI system, means कब हमारा LTI सिस्टम कॉजल होगा, कब नॉन कॉजल होगा, कब आपका स्टैटिक होगा, कब डायनेमिक होगा, एंड सो ऑन. हमें ये सारी चीजें स्टडी करनी है अब LTI सिस्टम के लिए. तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो मैं ले रहा हूं आपके लिए, दैट इज कॉजल एंड नॉन कॉजल LTI सिस्टम. ओके, तो LTI सिस्टम आपका कॉजल कब होगा? ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस के केस में अगर आपका एच टी जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है, मतलब नेगेटिव साइड आपका एच टी जो है जीरो है, देन सिस्टम इज कॉल्ड कॉजल. और अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो एच एन आपका जीरो होगा फॉर एन लेस देन जीरो, तो उस केस में भी सिस्टम आपका क्या कहलाएगा? कॉजल सिस्टम. नाउ अगर मैं इस कॉजल सिस्टम का थोड़ा सा एनालिसिस करूं कॉन्वोल्यूशन के रेस्पेक्ट में, मैं यहां पर कंटिन्यूअस का एग्जांपल लेके आपको समझाने जा रहा हूं. तो देखिए वाई टी जो हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन का, माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ. ओके, और आप चाहें तो सेकेंड फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पहले मैं यहां पर फर्स्ट फॉर्मूले को समझाता हूं आपको. सपोज करिए इस फॉर्मूले में मेरा जो सिस्टम है, सिस्टम इज कॉजल. ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एच टी जो है वो आपका जीरो होगा, ठीक है, फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है. और यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका यहां पर एच टी यूज नहीं हो रहा है, आपका यूज हो रहा है एच ऑफ टी माइनस टाउ. तो अगर एच टी जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो, तो इसकी मीनिंग आप क्या बोलेंगे कि एच ऑफ टी माइनस टाउ जीरो होगा फॉर टी माइनस टाउ लेस देन जीरो, तभी आपका सिस्टम क्या होगा? कॉजल होगा. या इसकी मीनिंग क्या है कि टाउ ग्रेटर देन टी के लिए आपका एच ऑफ टी माइनस टाउ क्या होगा? जीरो होगा. तो इसकी मीनिंग ये है कि आपको हमेशा टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन टी रखनी है फॉर कॉजल सिस्टम के लिए, ठीक है. इस केस में आपका एच टी माइनस टाउ क्या होगा? जीरो होगा. बट यहां पर आपको यह बात समझनी होगी कि यहां पर आप आउटपुट निकालना चाह रहे हैं, और सिस्टम अगर कॉजल है तो एच टी माइनस टाउ जीरो हो जाएगा फॉर टाउ ग्रेटर देन टी. और अगर एच टी माइनस टाउ जीरो हुआ तो आपका कंप्लीटली वाई टी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो इसकी क्या मीनिंग है कि जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसमें जो टाउ की जो अपर लिमिट है, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए? वो मैक्सिमम टी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेटर देन टी जाएंगे आपका वाई टी जीरो हो जाएगा, ठीक है. तो अगर सिस्टम कॉजल है तो आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस इनफिनाइट टू टी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ. क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर सेकेंड फॉर्मूला जो हमारा था उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि आप वाई टी का फॉर्मूला चाहें तो एक्स ऑफ टी माइनस टाउ करिए, चाहे एच ऑफ टी माइनस टाउ करिए, सेम थिंग है. तो अगर मैं फॉर्मूला इस तरीके से लिखूं, एक्स ऑफ टी माइनस टाउ इंटू एच टाउ डी टाउ, तो हमें क्या दिया गया है? सिस्टम कॉजल है, मतलब एच टाउ जीरो है फॉर टाउ लेस देन जीरो. तो इस केस में आप जानते हैं कि जैसे ही आप टाउ की वैल्यू लेस देन जीरो जाएंगे आपका एच टाउ जीरो हो जाएगा, ठीक है. इसका मतलब टाउ की वैल्यू कभी भी लेस देन जीरो आपको नहीं जाना है. तो मिनिमम टाउ की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी. तो जीरो से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी माइनस टाउ एच टाउ डी टाउ. ओके, तो बेसिकली जो आप इंटीग्रेशन की लिमिट माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट लेते हैं जनरलाइज फॉर्मूले में, अगर आपको सिस्टम कॉजल दिया है तो आप देख लीजिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. क्या आप एच ऑफ टी माइनस टाउ वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपकी लिमिट हो जाएगी माइनस इनफिनिटी से लेकर टी तक, जैसे आपकी यहां पर हुई थी. और अगर आप एच टाउ वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और सिस्टम कॉजल है
तो लिमिट हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी तक। क्लियर है अच्छे से? तो ये हमारा एनालिसिस था जब आपका LTI सिस्टम क्या हो, कॉजल हो। सेम एनालिसिस आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर मैं अब एक और चीज ऐड करने जा रहा हूं दोनों फॉर्मूले में। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा सिस्टम कॉजल है, अब मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं कि सिग्नल एंड सिस्टम बोथ आर कॉजल। ठीक है, इसकी क्या मीनिंग होगी कि जो सिग्नल इनपुट सिग्नल है वो भी कॉजल है और जो सिस्टम है वो भी कॉजल है। तो जब सिस्टम कॉजल था तो हमने देख लिया टाउ ग्रेटर देन टी होना चाहिए पहले फॉर्मूले में, तो सिस्टम कॉजल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एच टी माइनस टाउ 0 होगा, तो आपकी जो लिमिट होगी वो हो जाएगी माइनस इनफिनाइट से टी, क्योंकि टाउ ग्रेटर देन टी जाते ही आपका वाई टी 0 होता है। अब आपको बोला है सिग्नल भी कॉजल है, मतलब एक्स टाउ इक्वल टू 0 फॉर टाउ लेस देन 0, मतलब सिस्टम कॉजल है टाउ ग्रेटर देन टी पर, मतलब एच टी माइनस टाउ 0 हो रहा है फॉर टाउ ग्रेटर देन टी, इसलिए अपर लिमिट सेट थी टी पर। सेम एक्स टाउ 0 हो रहा है व्हेन टाउ लेस देन 0, मतलब टाउ की वैल्यू आप लेस देन 0 भी नहीं जा सकते, ग्रेटर देन टी तो जा ही नहीं सकते क्योंकि एच टी माइनस टाउ 0 है, लेकिन आप लेस देन 0 भी नहीं जा सकते क्योंकि एक्स टाउ 0 है, क्योंकि यहां पर सिग्नल एंड सिस्टम दोनों कॉजल हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जो लोअर लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी 0, अपर लिमिट हो जाएगी टी एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ। क्लियर है अच्छे से? तो ये कंडीशन कब यूज करेंगे हम, जब सिग्नल और सिस्टम आपके दोनों कॉजल होंगे। सेम सेकेंड फॉर्मूले में देखिए, यहां पर हमने सिस्टम कॉजल लिया था तो लिमिट क्या आई 0 से इन्फिनिटी। अब मैं बोल रहा हूं सिग्नल भी कॉजल है, मतलब x ऑफ t माइनस टाउ इक्वल टू 0 है फॉर t माइनस टाउ लेस देन 0, दैट मीन्स फॉर टाउ ग्रेटर देन t। मतलब अगर मैं टाउ की वैल्यू ग्रेटर देन t लेता हूं तो आपका x ऑफ t माइनस टाउ 0 हो जाता है, मतलब जो आपकी अपर लिमिट है वो क्या हो जाएगी, t हो जाएगी। लोअर लिमिट तो ऑलरेडी 0 थी ही आपकी क्योंकि आपका सिस्टम कॉजल था, अपर लिमिट आपकी टी हो गई क्योंकि आपका इनपुट सिग्नल भी क्या है, कॉजल है। तो अब आप अगर दोनों फॉर्मूले को देखें, जब आपका सिग्नल एंड सिस्टम दोनों कॉजल हैं और जो कॉन्वोल्यूशन के आपके दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों की लिमिट आप देखिए 0 से टी है, देख सकते हैं। पिछले फॉर्मूले में भी लिमिट 0 से टी थी और जो अभी हमने कैलकुलेट किया इस फॉर्मूले में भी लिमिट 0 से टी ही है। क्लियर है अच्छे से? तो ये छोटा सा एनालिसिस था कि जब आपका सिस्टम कॉजल होगा तो किस तरीके से आपकी कॉन्वोल्यूशन की इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज होगी। ठीक है, और सेम आप डिस्क्रीट में कह सकते हैं कि आपकी समेशन की लिमिट्स यहां पर चेंज होगी। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट जो सिस्टम का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं वो है आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर सेकेंड सिस्टम है हमारा स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, अब यहां पर देखिए, कोई भी सिस्टम आपका स्टैटिक कब होता है, कोई भी मींस कोई भी LTI सिस्टम, ध्यान रखिएगा यहां पर हम लोग LTI सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आपका LTI सिस्टम स्टैटिक कब होगा, जब देखिए इनपुट जो सिस्टम का है, अगर मान लीजिए वो XT है, तो जो आउटपुट है सिस्टम का अगर वो आपका AXT होता है, ठीक है, या डिस्क्रीट की बात करें इनपुट अगर आपका XN है, ठीक है, LTI सिस्टम का जो कि HN से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और आउटपुट अगर आपका YN है जो कि AXN के इक्वल है, तो आप कहेंगे इन दोनों केसेस में कि आपका सिस्टम जो है वो स्टैटिक है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? तो इसकी क्या मीनिंग है, आपको कब आउटपुट जो है वो इनपुट के इक्वल मिलेगा एंड मल्टीप्लीकेशन बाय कॉन्स्टेंट फैक्टर, इट कैन बी एनी वैल्यू ना, ए कैन बी एनी वैल्यू। तो ध्यान से समझिए, जो आपका YN होता है वो होता है XN convolved with HN, या जो आपका YT होता है वो होता है XT convolved with HT। ओके, तो यहां पर अब आप खुद सोचिए कि हम लोग HN को ऐसा क्या लें कि आपका जो YN है वो AXN हो जाए, या HT को ऐसा क्या लें कि जो आपका YT है वो AXT हो जाए। तो आप
जानते हैं इंपल्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्वोल्यूशन। जब भी इंपल्स के साथ किसी सिग्नल को कॉन्वर्ट किया जाता है तो सेम सिग्नल मिल जाता है। तो यहां पर अगर एच एन को मैं लेता ए डेल्टा एन या एच टी को मैं लेता ए डेल्टा टी, तो आपका आंसर आ जाता है यहां पर वाई टी इज इक्वल टू ए डेल्टा टी कॉन्वॉल्व विथ एक्स टी, दैट मीन्स वाई टी इज इक्वल टू ए एक्स टी, और वाई एन इज इक्वल टू एक्स एन कॉन्वॉल्व विथ ए डेल्टा एन, मतलब वाई एन इज इक्वल टू ए एक्स एन। क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर कोई भी सिस्टम आपका स्टैटिक होगा जब एच टी होगा ए डेल्टा टी और एच एन होगा आपका ए डेल्टा एन। क्लियर है अच्छे से? नाउ अब हम लोग अगर देखें यहां पर तो स्टैटिक सिस्टम मीन्स जो आपका इंपल्स रिस्पॉन्स है वो आपका इंपल्स ही होना चाहिए, ठीक है ना? इंपल्स रिस्पॉन्स ही कहते हैं ना एच टी या एच एन को, तो इंपल्स रिस्पॉन्स आपका डेल्टा फंक्शन ही होना चाहिए, तब ये आपका स्टैटिक सिस्टम हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका डायनेमिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड सिस्टम हमें स्टडी करना है वो करना है स्टेबल एंड अनस्टेबल एलटीआई सिस्टम। ठीक है, तो स्टेबल या अनस्टेबल आपका एलटीआई सिस्टम क्या होता है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है आपके लिए। देखिए, अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो एच टी जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, या हमने पढ़ा है एच टी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए फॉर टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। तो अगर आपका एच टी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पर जीरो है, तो सिस्टम आपका स्टेबल होगा। कंटिन्यूअस टाइम एल टी आई सिस्टम क्या होगा? स्टेबल। तो इसको चाहे तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ एच टी डी टी लेस देन इन्फिनिटी। इसकी क्या मीनिंग है? मॉड मतलब एम्पलीट्यूड। जब आप एच टी के सारे एम्पलीट्यूड को फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक एड करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब एडिशन ना, तो उस एडिशन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। नाउ अगर आप डिस्क्रीट की बात करें तो एच एन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल या एब्सोल्युटली सममेबल होना चाहिए। आप एन के केस में सममेबल टर्म यूज करते हैं, ठीक है? तो यहां पर इसका मतलब क्या है कि एच एन जो है वो एन टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर एच एन की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होनी चाहिए? जीरो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं समेशन ऑफ एच एन मॉड ऑफ एच एन, ठीक है ना, शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब अगर आप एच एन के सारे सैंपल्स को माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक ऐड कर दें तो वो आपका एडिशन जो है वो ऑलवेज लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से? तो ये होता है हमारा स्टेबल या अनस्टेबल सिस्टम का एनालिसिस। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं अभी तक जितने हमने सिस्टम स्टडी किए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर आपके लिए। एच एन आपको गिवन है, इतना तो हम समझ गए हैं कि हमें एच टी या एच एन के फॉर्म में ही एल टी आई सिस्टम रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो आपको एच एन गिवन है यहां पर वो गिवन है टू यू एन प्लस टू माइनस फोर यू एन माइनस वन प्लस फाइव यू एन माइनस फोर। ओके, अब इस सिस्टम का एनालिसिस करके जो हमने लास्ट के थ्री सिस्टम पढ़े हैं, जो जो हमें पता चल पाए हम उस पर कमेंट करते हैं। मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, आप सिर्फ इस एच एन का एनालिसिस करिए, आपको जो जो नॉलेज यहां पर मिल पा रहा है सारे नॉलेज हम यहां पर ले लेते हैं। ओके, देखिए, तो यहां पर आपको जो एच एन दिया हुआ है, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की ना एक खास बात होती है कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है। अगर मैं इसे ड्रॉ करके एक बार समझने की कोशिश करूं तो मुझे कॉजल है कि नॉन कॉजल है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, सारी चीजें अपने आप पता चल जाएंगी। तो देखिए, यहां पर पहला क्या है, एन प्लस टू, यू एन प्लस टू। मैं क्या करता हूं, अभी आपके लिए सेपरेटली एक एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, बाकी अदरवाइज मैं आपको यही रिफर करूंगा कि आप मैंने अपने मन में ही कैलकुलेट करके चीजों को एक साथ ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ओके, देखिए, यू एन प्लस टू है तो ऑब्वियस ही बात है ये माइनस टू से स्टार्ट हो जाएगा, माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री,
ओके तो ये कहां तक जाएगा, अप टू इंफिनिटी तक। सारे एम्पलीट्यूड क्या होंगे, टू होंगे, ठीक है। इसमें से आप माइनस करेंगे क्या, फोर यू एन माइनस वन, ठीक है ना। तो ये वन से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वन टू थ्री एन माइनस वन है, क्लियर है, अप टू इन्फिनिटी तक। सारे एम्पलीट्यूड क्या होंगे, फोर। अब लास्ट में आप प्लस करेंगे, प्लस क्या करने वाले हैं आप लोग, एन माइनस फोर पे आपको यू ड्रॉ करना है, एन माइनस फोर से स्टार्ट करना है, यू एन माइनस फोर, तो फोर फाइव सिक्स अप टू इन्फिनिटी तक, ओके। और सबके एम्पलीट्यूड कितने हैं आपके, फाइव है, ओके। तो आप देखिए यहां पर यू एन प्लस टू, ठीक है, वो कहां से कहां तक है, माइनस टू से इन्फिनिटी तक, और यू एन माइनस वन है वन से इन्फिनिटी, और यू एन माइनस फोर है फोर से इन्फिनिटी तक। तो अगर आप फोर से इन्फिनिटी तक देखें तो तीनों के तीनों सिग्नल प्रेजेंट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए फोर से इन्फिनिटी तक टू माइनस फोर माइनस टू प्लस फाइव, कितना हो जाएगा आपका, थ्री हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से, फाइव प्लस टू सेवन माइनस फोर थ्री। तो फोर से इन्फिनिटी तक तो आपका प्लस थ्री होने वाला है, तो उसे हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, फोर से इन्फिनिटी तक। तो आप देखिए फोर फाइव सिक्स अप टू इन्फिनिटी हमारा होने वाला है प्लस थ्री, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। नाउ अब आप देखिए वापस जाके देखिए, माइनस टू से इन्फिनिटी तक पहला सिग्नल प्रेजेंट था, ठीक है, और वन से इन्फिनिटी तक दूसरा सिग्नल, थर्ड सिग्नल की हम बात कर चुके हैं, फोर टू इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब क्या है, वन से लेकर इन्फिनिटी तक, वन से लेकर इन्फिनिटी तक आपके ये दोनों सिग्नल स्टार्टिंग के प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, टू माइनस फोर माइनस टू, मतलब वन से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा आपका माइनस टू, ठीक है। बट आपको यहां पर यह बात समझनी होगी कि आप फोर से इन्फिनिटी तक ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं पहले ही, क्योंकि फोर से इन्फिनिटी तक तो आपके तीनों सिग्नल प्रेजेंट थे, ठीक है ना। तो अब आप कहां से कहां देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब आप देखेंगे वन टू और थ्री पर, ठीक है ना। तो वन टू और थ्री पर कितना हो जाएगा आपका, माइनस टू, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर आपका आ गया माइनस टू, वन टू एंड थ्री पर। नाउ अब आप देखिए जो रह गया फर्स्ट सिग्नल, क्योंकि माइनस टू से लेकर, माइनस टू से लेकर अगर आप देखेंगे वन के पहले तक, मतलब जीरो तक, माइनस टू से लेकर जीरो तक सिर्फ फर्स्ट सिग्नल प्रेजेंट है, क्या है एम्पलीट्यूड उसका, टू है, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा आपका, टू आ जाएगा, ठीक है। तो कहां से कहां तक आएगा ये आपका, माइनस टू माइनस वन और जीरो, ठीक है, यहां पर आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड टू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली ड्रॉ हो गया एच एन। नाउ अब अगर आप इस एच एन को देखें ध्यान से, तो क्या हम कमेंट कर सकते हैं कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल, यस बहुत आराम से कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि एच एन कॉजल सिग्नल के लिए शुड बी जीरो फॉर एन लेस देन जीरो, मतलब आपका एच एन जो है वो नेगेटिव साइड नहीं होना चाहिए। तो यहां पर तो एच एन आपका नेगेटिव साइड है, तो इसका मतलब ये सिग्नल क्या हो जाएगा, एच एन सिग्नल जो है वो नॉन कॉजल हो जाएगा। बट एच एन किसको रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल में, सिस्टम को, ठीक है ना। तो जो आपका सिस्टम है, एल टी आई सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन कॉजल हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से। नाउ नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, अगर मैं बात करूं क्या स्टेबल या अनस्टेबल पे कमेंट कर सकता हूं मैं यहां पर, तो अगर हम देखें यहां पर स्टेबल या अनस्टेबल की बात अगर हम करें, तो आप देख सकते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर जो एच एन है वो थ्री है, इसका मतलब एच एन जो है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। एच एन के केस में आप बोल सकते हैं एब्सोल्युटली सममेबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब जब भी आप ये परफॉर्म करेंगे समेशन n टेंस टू माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट मॉड ऑफ एच एन, ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये एक फाइनाइट वैल्यू है, थ्री है, जीरो नहीं है। n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी अगर दोनों में जीरो हो
तो ये आंसर आपका फाइनाइट वैल्यू आती, ये आपका जो समेशन ऑफ एच एन है, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल। क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके लिए। मान लीजिए आपको एच टी गिवन है, एच टी आपको गिवन है ई की पावर ए टी यू टी प्लस ई की पावर बी टी U of माइनस टी, ओके। अब आपको इस एच टी के लिए बताना है कि ये एच टी जो है वो स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर, तो ए और बी के क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब क्या आपका ए और बी दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, क्या आपका ए और बी दोनों नेगेटिव होना चाहिए, कि आपका ए और बी में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए। तो हमें इस चीज का नॉलेज यहां पर चाहिए कि अगर आपका एच टी इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एच टी जो है वो स्टेबल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या कंडीशन हो सकती है। देखिए आप ध्यान से देखिए, स्टेबल सिस्टम है मतलब टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों में ही एच टी आपका क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, पहले ए का एनालिसिस करते हैं। अगर ए आपका पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ए आपका पॉजिटिव है और ये यूटी से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये पूरा सिग्नल पॉजिटिव साइड होगा, ठीक है, और ए भी मान लीजिए पॉजिटिव है, तो आप टी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी चिप पे चेक करेंगे तो आप देखिए ई की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो आपका एच टी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब जो ए है वो तो आपका हर हाल में नेगेटिव होगा, ये आपने तय कर लिया, क्योंकि अगर ए नेगेटिव है, मान लीजिए ए है माइनस टू, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस टू टी यू टी, तो t टेंस टू इन्फिनिटी पर e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। आपको यू टी के केस में t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे चेक करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि यू टी से मल्टीप्लाइड है, तो नेगेटिव साइड हर एक वैल्यू के लिए आपका एम्पलीट्यूड क्या होने वाला है, जीरो ही होने वाला है। क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर देखिए आप, यहां पर u ऑफ माइनस टी है, मतलब आप t की पॉजिटिव वैल्यू के लिए चेक नहीं करेंगे, t टेंस टू इन्फिनिटी पर चेक नहीं करेंगे, वो तो जीरो है ऑटोमेटिक, लेकिन आप चेक करेंगे t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पर। तो अगर आपका b पॉजिटिव है, मान लीजिए 2 है, तो e की पावर 2t होगा, जब आप t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसका मतलब b क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपका बी आपने नेगेटिव ले लिया और टी की वैल्यू अगर आप माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एनालिसिस यहां पर कर सकते थे बहुत इजीली। क्लियर है अच्छे से? अब आप देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर। मान लीजिए कि आपको एच एन गिवन है, ओके, पी की पावर एन यू एन प्लस क्यू की पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, और यहां पर आपको बताना है पी और क्यू के बारे में, जबकि एच एन जो है आपका वो स्टेबल एल टी आई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बताइए पी और क्यू जो हैं क्या दोनों ग्रेटर देन वन होंगे, या दोनों लेस देन वन होंगे, या एक ग्रेटर देन वन होगा या एक लेस देन वन होगा, ये हमें बताना है यहां पर, जबकि एच एन जो है वो स्टेबल एल टी आई सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले पी का एनालिसिस कर लेते हैं। पी एन यू एन, ऑब्वियस सी बात है अगर स्टेबल है तो हमें यह बात तो फिर से पता है कि एन टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, दोनों ही केस में एच एन क्या होना चाहिए, जीरो, तभी स्टेबल होगा। अगर आप देखें यू एन है तो उस केस में आपको n टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि un है तो हर एक नेगेटिव वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड जीरो ही होने वाला है। अगर आप n टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे चेक करते हैं तो अगर आपका p मान लीजिए ग्रेटर देन वन है, p मान लीजिए आपका 2 है, तो 2 की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा आपका, इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से? नाउ अब आप मान लीजिए p जो है वो लेस देन वन है, p मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 की पावर इन्फिनिटी, उसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, देखिए p मान लीजिए लेस देन वन है, p
पी की वैल्यू ले लिया मैं 1/2, तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा टर्म आपका 1/2 n u n। ओके, आप देखिए यहां पर n की आप अगर वैल्यूज पुट करें, जीरो पर क्या हो जाएगा ये 1, ओके n की वैल्यू 1 पर क्या हो जाएगा 1/2, n की वैल्यू 2 पर क्या हो जाएगा 1/4, n की वैल्यू 3 पर 1/8। देखिए लगातार डिक्रीज होता जा रहा है, तो डिक्रीज होता 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 कहां चला जाएगा ये जीरो पर, मतलब n टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये जीरो हो जाएगा। और वही केस अगर आप p की वैल्यू ले लेते 2, तो जीरो पर 1, 1 पे क्या होता 2, 2 पे 4, 3 पे 8, बढ़ता चला जाता और n टेंड्स टू इंफिनिटी पर क्या हो जाता आपका इंफिनिटी हो जाता। इसका मतलब ये तो बिल्कुल फिक्स हो चुका है कि जो p है वो लेस देन 1 है, ठीक है, इस पे हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो पॉइंट है वो है क्यू एन, यू माइनस एन माइनस 1। सबसे पहले आप ये फिक्स कर लीजिए कि u माइनस एन माइनस 1 n की किस वैल्यू से किस वैल्यू तक प्रेजेंट रहने वाला है, क्योंकि यू एन के केस में आपको पता था कि वो जीरो से इनफिनाइट तक होगा n की वैल्यू। तो यहां पर u ऑफ माइनस एन माइनस 1 के केस में आप n की कौन कौन सी वैल्यू पुट करेंगे ये पहले हम फिक्स कर लेते हैं। ओके, तो देखिए आप यहां पर अगर मैं आपके लिए पहले u ऑफ n ड्रॉ करूं, ओके, तो u ऑफ n आपको पता है जीरो से इनफिनाइट तक 1 होता है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, पहले आपके लिए डायरेक्टली u n माइनस 1 ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो कहां से कहां होगा 1 टू इन्फिनिटी, ओके 1 2 3, सब पे 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब याद होगा आप लोगों को, हम लोगों ने सिग्नल सिस्टम में स्टार्टिंग की वीडियोस में मेथड नंबर 2 पढ़ा था शिफ्टिंग और स्केलिंग के लिए, जहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग एक साथ परफॉर्म करनी हो, जैसे यहां पर हमें रिवर्सल और शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, तो n के साथ पहले जो भी है उसे कंसीडर मत करिए, तो क्या बन जाएगा यू एन माइनस 1, उसे ड्रॉ कर लीजिए, फिर n के साथ जो है जिसे आपने पहले कंसीडर नहीं किया था उसको अप्लाई कर दीजिए, तो n के साथ क्या है माइनस, दैट मीन्स ये जो आपका 1 2 3 है ना n की वैल्यू, ये बन जाएगी -1 -2 -3 up to -infinity तक, मतलब आपका फिगर जो राइट साइड था वो लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा -1 पर इंपल्स, -2 पर, -3 पर, up to -infinity पर, ओके? तो ये हमारा बन गया u ऑफ माइनस एन माइनस 1। तो आपने समझ लिया यहां पर कि u ऑफ माइनस एन माइनस 1 की मीनिंग है कि जो n की रेंज है वो -1 से -infinity तक होगी। इसका मतलब यहां पर आपको n की वैल्यू नेगेटिव साइड में पुट करनी है, -1 से -infinity, ठीक है। अब आप देखिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए अगर मैं q की वैल्यू 1/2 पुट करके देखूं पहले, तो टर्म क्या बन जाएगा आपका 1/2 की पावर n u ऑफ माइनस एन माइनस 1। हमें पता है हमें n की वैल्यू जो है वो -1 से -infinity तक पुट करनी है, तो 1/2 की पावर माइनस 1 मतलब 2 की पावर 1, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका -1 पर 2 आ जाएगा। अब आप देखिए 1/2 की पावर -2, ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, मतलब कितना आ जाएगा आपका 4। अब आप देखिए 1/2 की पावर -3, मतलब 2 की पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा 8। इसका मीनिंग क्या है आप देखिए, जैसे जैसे आप n की नेगेटिव साइड में मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे आपका जो ये q की पावर n u ऑफ माइनस एन माइनस 1 वाला जो टर्म है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये कहां पहुंच जाएगा इन्फिनिटी पर। इसका मतलब ये तो फिक्स है कि q जो है वो लेस देन 1 तो नहीं हो सकता। एक बार q की वैल्यू 2 पुट करके भी आप देख लीजिए, अब ऑब्वियस सी बात है अगर लेस देन 1 नहीं होगा तो ग्रेटर देन 1 ही होगा, वो तो फिक्स है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखिए q की वैल्यू अगर आप चेक करें n की वैल्यू माइनस 1 पर, तो आपका टर्म क्या बन रहा है, वैसे आप पहले ये देख लीजिए 2 की पावर n u ऑफ माइनस एन माइनस 1, तो n की वैल्यू माइनस 1 पर क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस 1, मतलब क्या बन जाएगा ये 1/2, ठीक है। अब आप देखिए n की वैल्यू माइनस 2 पर 2 की पावर माइनस 2, मतलब क्या बन जाएगा 1/4, तो ये देख सकते हैं आप लगातार क्या हो रहा है यहां पर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, तो हमें फिक्स हो गया यहां पर
कि जो q है वो क्या होना चाहिए, greater than 1. तो ये आपका LTI सिस्टम स्टेबल होगा जो आपका HN से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जब p less than 1 होगा एंड q greater than 1 होगा. क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर हम लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है LTI सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि हम लोग किस तरीके से बता सकते हैं कि आपका सिस्टम कब स्टेबल होगा या कब कॉजल होगा. ओके, नाउ एक लास्ट सिस्टम हमारा और रह गया LTI के केस में, व्हिच इज कॉल्ड इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल सिस्टम. ओके, हम लोगों ने नॉर्मल सिस्टम में भी ये एनालिसिस किया था, अब हम यहां पर भी एनालिसिस कर लेते हैं कि व्हाट इज इनवर्टिबल सिस्टम एंड व्हाट इज नॉन इनवर्टिबल सिस्टम. तो कोई भी LTI सिस्टम आपका इनवर्टिबल होता है जब HT convolved with H of inverse T, ओके, इज इक्वल टू आपका होता है डेल्टा T, ओके, या अगर आप लिखें N के फॉर्म में तो HN convolved with H of inverse N should be equal to delta N, ओके. तो अगर कोई LTI सिस्टम इस तरह की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो वो कहलाता है आपका इनवर्टिबल सिस्टम. क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप बहुत इजीली चेक कर सकते हैं इनवर्टिबल एंड नॉन इनवर्टिबल सिस्टम को. ठीक है, आपको कॉन्वोल्यूशन ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, हम लोग कॉन्वोल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो जब भी आपको एच टी गिवन हो और एच ऑफ इनवर्स टी गिवन हो, आप सिर्फ उन दोनों का कॉन्वोल्यूशन कर लीजिए. अगर वो डेल्टा टी के इक्वल है तो आपका क्या हो जाएगा, सिस्टम इनवर्टिबल. और उसके अलावा आपके पास एक और चांस भी है. मान लीजिए अगर आपने स्टार्टिंग के इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया तो क्या हो जाएगा, एच एस. और मैं आपको सिखा चुका हूं कि जब भी एक डोमेन में कॉन्वोल्यूशन होता है तो सेकेंड डोमेन में हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन. तो एच एस इंटू एच ऑफ इनवर्स एस और डेल्टा टी का लाप्लास क्या होता है आपका, 1. हम लोगों ने भले ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म अभी स्टडी नहीं किया है लेकिन ये बेसिक चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं. तो यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि जब भी एच एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एच ऑफ इनवर्स एस होता है, ठीक है ना, तब भी आपका सिस्टम क्या होता है, इनवर्टिबल सिस्टम होता है. क्लियर है अच्छे से? नाउ यहां पर ये आपका जो क्लासिफिकेशन है वो फिनिश होता है. ठीक है, अगर इस क्लासिफिकेशन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए. वैसे तो बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, और इसके साथ आपका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन भी फिनिश होता है LTI सिस्टम का. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है स्टेप रिस्पॉन्स, वो स्टडी करेंगे. ओके, और कुछ एक दो एग्जाम्पल्स देंगे LTI सिस्टम के लिए. ओके, गुड बाय.